हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्लास चैप्टर। आज हम पढ़ेंगे मैथ्स। ठीक, सब्जेक्ट जो होगा हमारा मैथ्स, और इसमें जो टॉपिक हमारा होगा वो होगा सर्च्स एंड इंडिसेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है अंडर रूट 0.01 प्लस अंडर रूट 0.0064। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसका और इसका क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो क्या ऐसे करेंगे, सबसे पहले इस अंडर रूट का, जो अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है 0.0064, तो देखिए 64 का स्क्वायर क्या होता है 8, और दो जीरो तो इसमें कॉमन ले लेंगे तो क्या जाएगा 0.08। ठीक, तो स्क्वायर करा हमने इसका, ठीक है, स्क्वायर से अंडर रूट कर दिया तो क्या आ गया 0.08। ठीक, अब क्या करेंगे कि इसमें क्या लिखा 0.01 प्लस 0.08। ठीक है, देखिए 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 9, तो इसका हो गया 0.09। देखिए 9 का स्क्वायर क्या होता है, ठीक, 9 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 3, तो हम कैसे लिखेंगे 0.03 को 3 की पावर 2। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर कर दे, अंडर रूट कर दे तो क्या बचा 0.3। तो आंसर कौन सा आएगा इसमें, बी पार्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि 2 की पावर a और ब्रैकेट के बाहर b से लिखा हुआ है। ठीक, 5 की पावर b और a से लिखा हुआ है। ठीक, अब कैसे करेंगे, देखिए 2 की पावर a, अब वैल्यू a की वैल्यू ये रही, b की ये रही, c की वैल्यू ये रही। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा कैसे 2 की पावर a, a कितना है क्वेश्चन में 3, ठीक, अंडर रूट बी सी कितना है क्वेश्चन में 4 × 0, तो कितना आ जाएगा 0, 4 × 0, मैं लिख के दिखा देता हूँ वरना इसका 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं 5, बी की पावर कितनी है क्वेश्चन में, बी की पावर है क्वेश्चन में 4, ठीक है, और अंडर रूट के बाहर ए सी, ए कितना है 3, और सी की वैल्यू 0, 3 × 0। ठीक है, 2, अब देखिए 3 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 × 12, और 12 की 0 से करेंगे तो क्या आएगा 0, तो 2 की पावर 0, और ऐसे 5 की 3 से करेंगे तो 12 की 0 से करेंगे तो कितना आएगा 0, तो इसका आंसर कैसा आएगा, इसका आएगा ऐसे 2 की पावर 0, ठीक है, और 5 की पावर 0। तो देखिए 2 की पावर 0 का मतलब क्या हुआ, जहाँ पर भी क्वेश्चन में 2a की वैल्यू 0 आ जाए, पावर में 0, तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होती है। ठीक है, देखिए इसकी वैल्यू 0 आ रही है 2 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू आंसर कितना आएगा 1, ऐसे 5 की पावर 0 आ रहा है तो इसका आंसर कितना आएगा 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक, इसका आंसर कितना आएगा क्वेश्चन में a 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है कि जो 0 है वो x से छोटा है और x जो है वो 1 से छोटा है, तो मतलब 1 बड़ा हुआ। तो देखिए इसमें देखिए 100 या 101, देखिए ये तो ऑप्शन ही गलत है, तो इनमें कौन सा बड़ा है ये देखना हमें, 1 बड़ा होना चाहिए, तो कौन सा है इसमें ऑप्शन। ठीक, ऑप्शन देखते हैं इसमें, तो इसमें ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि 1/2 अंडर रूट में, कभी भी क्वेश्चन में अंडर रूट आ जाए, सिंगल अंडर रूट आ जाए या डबल अंडर रूट आ जाए, तो बहुत ईजी मेथड है इसका। देखिए 1/2 लिखा हमने, ठीक, नीचे क्या लिखा हुआ अंडर रूट में, तो इसको ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है। ठीक है, देखिए 2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 2। ठीक, और देखिए 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 का स्क्वायर क्या होगा 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 2, अंडर रूट 2/2, तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, सी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है कि 4/81, ठीक, 2/9 और 2/9, देखिए इसको सॉल्यूशन करना है, बहुत इजी मेथड है। देखिए सबसे पहले देखिए 4/81, 2/9, तो हमें सबसे पहले क्या करना है इसका, इसको एक जैसा बनाते हैं। देखिए 2/81, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, मैं लिख के दिखा देता हूँ, 4/81 है ये, इसको क्यूब लिखा हुआ है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं 2/9। देखिए 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 आएगा, 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, 2 लिख लेते हैं इसको ऊपर कॉमन। अब देखिए 3/6 लिखा हुआ है, वो सॉरी पावर 3 लिखी, तो 3 हमने ऊपर लिख दिया, अब 3 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 6, तो हम इससे ऐसे लिखते हैं 2/9 की पावर 6। ठीक है, देखिए 2/9 की पावर 6, 2/9 की पावर 9, ठीक है 2/9। तो देखिए एक चीज़ कॉमन हो रही है इसमें, वो क्या हो रही है कि सब जो हैं वो 2/9 आ रहा है, 2/9 आ गया, 2/9। अब इस समय देखो 2/9 से 2/9 कट जाएगा सब, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, और ये भी इक्वल हो गया हमारे सब ये,
तो अब क्या बचा है इसमें, पावर बची है 6 पावर, क्योंकि हमें एक निकाली है वैल्यू m की। तो कैसे लिखेंगे देखिए, तो हमने 2/9 की पावर जो 81 था उसका कितना था 6 आया था, तो हम ऐसे लिखेंगे इसकी 6 पावर को लिख रहा हूँ मैं, इस पावर को, ठीक है, जो पावर आई है 6 ये रहे, पावर हमेशा ऐड होती है, 6 + 6 और क्या निकालना है 2m-2, ठीक है 2m-2, देखिए 6 + 6 = 12 और ये माइनस के प्लस हो जाएंगे, ठीक है प्लस के 2 = 2m, ठीक है ये माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा साइड चेंज होने पर, तो 14 आ गया, 14 = 2m, ठीक 2 से 14 कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 7 बार, तो m की जो वैल्यू आई वो कितनी आई 7, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसका सी पार्ट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है, देखिए इसमें बहुत इजी मेथड बता दिया करने के लिए, इसमें आपको ऑलरेडी एक चीज़ दे दी कि क्या इसमें जो क्या रखा है वो इसका जो स्क्वायर है मतलब 2916 का जो स्क्वायर बैठेगा वो 54 बैठेगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, इसका बताइए, इसका बताइए, चारों का बताइए, दो चारों को ऐड करने पे कितना आएगा, बहुत इजी मेथड है। जब क्वेश्चन में देखिए इसकी सेम डिजिट है, देखिए 2916 हमें 2916 आ रहा है, बट क्या डिफरेंस आ रहा है इसमें, इसमें 2 के बाद पॉइंट आ रहा है, इसमें 4 के बाद पॉइंट आ रहा है, इसमें 6 के बाद, इसमें 8 के बाद, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस हमें देखना कि इसमें एक चीज़ दे दी हमें क्या, 54 हमें क्वेश्चन में दे दिया है, अब आगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए 2916 क्योंकि इसमें 2 के बाद पॉइंट है, तो हम क्या लेते हैं स्क्वायर में, देखिए 2916 आ रहा, तो हम यहाँ 2916 का स्क्वायर क्या होगा 54, ठीक है पहले वाले का जो मैंने निकाला वो कितना है 54, देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है इसमें 2, क्योंकि स्क्वायर कर रहे थे, स्क्वायर का मतलब 2 होता है, तो हमने 1 के बाद पॉइंट लगा दिया, ठीक। ऐसे इसमें कितने के बाद पॉइंट है इसमें सेकंड वाले में, इसका भी स्क्वायर यही आएगा 54, ठीक है। इसमें पॉइंट कितने के बाद है, इसमें है 4 के बाद, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे क्योंकि स्क्वायर जो होता है मान लो 9 है, ठीक है तो 9 का मतलब 2 होता है, ठीक है स्क्वायर किसे बोलते हैं 2 को, जैसे 3 3 9 गए, 9 का स्क्वायर कितना होगा 3, ठीक है और 3 की पावर 2, 2 क्या हो गया इसमें कॉमन हो गया 2 डिजिट को, तभी तो 9 आएगा इसमें, जैसे कि 3 × 3 तो 2 तो हो गए डिजिट, ऐसे हमने क्या लिया 2916 है तो हमने कॉमन ले लिया 1 पॉइंट, ठीक। इसमें 4 हैं, 2916 का स्क्वायर क्या होगा 54 और इसमें कितने की डिजिट के बाद है इसमें पॉइंट 4, तो हम 2 के बाद कॉमन लेंगे, तो इसका आएगा पॉइंट 54 ऐड करना है, ठीक है यहाँ पर अपने पास से 0 लगानी है। इसके बाद देखते हैं इसमें, देखिए 6 डिजिट में पॉइंट है तो कॉमन 54 आएगा इसका स्क्वायर, क्योंकि इसमें हम कितने का कॉमन लेंगे 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, तो इसका आगा 0.5054, ठीक है। लास्ट वाले में 8 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 4 का कॉमन लेंगे तो 0.0054, देखिए इन सब को ऐड करने पे कितना आएगा, इन सब को जो ऐड करेंगे तो वो आएगा 5.9994, ठीक है ये हमारा कौन सा आंसर हुआ ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट नंबर बताइए, सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ, ठीक है। हमें एक चीज़ याद रखनी है, अगर क्वेश्चन में कभी भी ये पावर दे रखी है, जैसे तो इसमें 30 दे रखी है, इसमें 20, इसमें 40, इसमें 50, तो उस केस में क्या करना है, जब भी क्वेश्चन में पावर दी जाए तो उसमें एक चीज़ करनी है, तो हमें देखनी है सबसे बड़ी पावर कौन सी, देखिए इसमें 20 दे रखी, ये छोटी हुई, ये 30 बड़ी हो गई, 40 इससे बड़ी हो गई, 50 इससे बड़ी, लेकिन देखने में ये आ रही है लेकिन नहीं, देखिए इसमें क्या रहा है 4 का स्क्वायर कर दीजिए क्या जाएगा 2, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 40, ठीक है 42 से कितना होगा 80, ठीक है 40 के 2 से स्क्वायर जो होते हैं पावर जो होती है वो हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं, तो 80 आ गया। एक शॉर्ट मेथड जो है वो तो ये हो गया कि 2 की पावर 80, तो सबसे बड़ी पावर कौन सी आ गई 80 वाली, तो इसमें आंसर कौन सा आएगा वैसे बी। इसका नेक्स्ट ऑप्शन भी देखते हैं करने का तरीका, वो क्या है कि जितनी भी सब पावर है सबको इक्वल बना लो, इससे पता लग जाएगा कौन सी बड़ी, जैसे कि देखिए सब में 0 0 आ रही है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 की पावर 5 × 10, देखिए ऐसे 4 की लिखा हुआ है, इसको कैसे लिखेंगे 4 की पावर 4 × 10, ठीक है देखिए ये दोनों इक्वल हो गई पावर्स, 5 की पावर 3 × 10, ठीक ऐसे 6 की पावर 2 × 10, देखिए पावर्स तो सेम है लेकिन हमें क्या बता रहा है नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर बड़ा है इसमें देखिए 3 की पावर 5 3 की 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 4 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की 3 बार तो 6 की 2 बार,
तो कौन सा नंबर बड़ा हुआ इसमें? इसमें जो नंबर बड़ा हुआ है वो है फोर, ठीक है, फोर की फोर बार मल्टीप्लाई करेगा तो ज़्यादा आएगा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें? बी पार्ट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर एट में क्या लिखा हुआ है? देखिए सेम डिजिट है, सबसे पहले तो हमें देखना है कि सेम डिजिट है, यस सेम है, तो बहुत आसान है। 225, 225 गुणा में पावर्स ऐड होती हैं, तो मैं इसे ऐसे लिख दूंगा, 225 पावर्स कितनी, 3 + 2 कितने हो गए 5, तो मैंने पावर्स ऐड कर दी, 0.5 आ गया, ठीक है। अब नीचे भी देखिए सेम है डिजिट, तो 225 आ गया, ठीक है, और देखिए 2 और 8 कितने हो गए 10, तो 1 हो गया, 0.01 की कोई वैल्यू नहीं होती। देखिए ऊपर जो है 0.5 है, ठीक है, और नीचे क्या है 225 एक, तो देखिए जब भी क्वेश्चन में 0.5 आए और 225 यहाँ पे पावर में, तो हम इसको 225 को लिखेंगे कैसे? उसको लिखने का तरीका ये है, अंडर रूट, ठीक है, 0.5 का आधा होता है, तो 225 का आधा कर दिया अंडर रूट में, और 225 नीचे लिखेंगे, 225 का स्क्वायर क्या होता है? वो होता है 15, ठीक है, और नीचे कितना है 225, 15 का पहाड़ा 225 में पड़ना है, ठीक है, कितनी बार जाएगा? वो जाएगा 15 बार, देखिए 15 × 15, 15 × 15 225, तो आंसर कितना गया 1/15, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसका, सी पार्ट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि ये पावर्स भी हैं और सेम डिजिट भी हैं। देखिए हमेशा याद रखना जितनी भी पावर्स होती हैं वो क्या होती हैं? ऐड होती हैं, तो मैं इसे ऐसे लिख दूँ कि पावर्स को लेकर चला हूँ क्योंकि डिजिट तो सेम है, इसमें हम पावर्स ले रहे हैं 2x + 1 - सॉरी प्लस एक्स, ठीक है, क्योंकि पावर्स क्या होती है हमेशा ऐड, और सामने वाले ले लीजिए x + 3 + 2, ठीक है। देखिए अब इसे ऐड कीजिए, देखिए 2x और 1x कितने हो गए 3x, ठीक है, हमने यहाँ लिख दिया +1 = 1 =, देखिए 2 और 3 कितने हो गए 5, x + 5 हो गए, ये x + 5, देखिए 3x में से 2x माइनस करेंगे कितने हो गए, कितने हो गए, ये हो गए 2, कितना हो गया ये 2x, ठीक है, ये प्लस में माइनस हो जाएगा, तो 5 में से 4 गए तो कितने बचे गए, 5 में से 1 गए सॉरी 1 गए तो कितने बचेंगे 4, तो देखिए 2 का टेबल 4 में कितनी बार जाएगा 2 बार, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया D, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो प्राइम फैक्टर कितना होगा, नंबर जो है प्राइम फैक्टर कितने होंगे? बहुत आसान मेथड है इसका भी, देखिए 9 है 1/9, इसका क्या करेंगे की पावर 10 है, इसको हम लिखेंगे 1/3 की पावर 2, ठीक है, और × 10, ठीक, इसको कैसे लिख देंगे फिर, ये 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 20, और ध्यान रखना ये प्लस में है नीचे डिजिट, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस में, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 की पावर 20 माइनस में, ठीक है, पावर्स माइनस होंगी कि नीचे प्लस में ऊपर जाके माइनस में हो जाती है, ठीक है, सॉरी ये नीचे लिखी हुई डिजिट, जब भी कोई डिजिट नीचे से ऊपर ले आते हैं तो प्लस, अगर नीचे माइनस में है तो प्लस में हो गया, देखिए प्लस का साइन है नहीं यहाँ पर 3 में, तो बजाय किस में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस के 20 हो गए, × 20 की पावर 20 आ रहा है, 27 की पावर 20, तो देखिए 27 का स्क्वायर क्या होता है सॉरी क्यूब, क्योंकि इसमें तो क्यूब बनेगी, तो 3 की पावर 3, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, और इसे हम कैसे लिखेंगे 3 की और 20 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 60, ठीक है, तो इसका हमारा जो आया हुआ 3 की पावर 60, ऐसे 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5, इसको देखिए नीचे 3 लिखा प्लस में, इसमें 2/3 लिखा, तो ये देखिए ये 3 नीचे है प्लस में, तो बजा के हो जाएगी माइनस में, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 2 की पावर 5 × 3 की पावर - 5, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे, देखो 20 प्लस में है 60 माइनस में, तो कितने बचे, ये बचे 60 में 20 के 40, 40 में से 5 गए 3, तो कितने बचे 35, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे 3 की पावर 35 × 2 की पावर कितनी आ गई 5, ठीक है। अब हमें क्या लेना है, प्राइम फैक्टर पूछ रहा है क्वेश्चन, फैक्टर्स कितने हैं 5, 35 + 5 कितने हो गए, पावर्स ऐड होती हैं, तो हो गए, ये हो गए हमारे 35 + 5 = 40, तो आंसर कौन सा सही आया, इसमें सी पार्ट राइट आंसर है। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।